बुधवार रात से जेट एयरवेज का ऑपरेशन बंद हो चुका है। कंपनी को फौरन हजारों करोड़ की जरूरत है, लेकिन बैंकों ने तुरंत राहत देने से मना कर दिया है। एयरलाइन को दोबारा शुरू करने की कोशिश जारी है। तमाम बुरी खबरों के बीच जेट एयरवेज के लिए एक अच्छी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जेट में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। हालांकि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने जेट को खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई नहीं जमा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी एतियाद एयरवेज के जरिए जेट में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। अभी एतियाद की हिस्सेदारी 24% है। कंपनी ने जेट को खरीदने के लिए ईओआई भी जमा किया है। माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी इस रास्ते से डूबते जेट को उबारने का काम करेंगे और एतियाद की हिस्सेदारी जेट एयरवेज में 49% हो जाएगी। एविएशन सेक्टर में एफडीआई के नियमों की बात करें तो 49% हिस्सेदारी खरीदने में एहतियात को किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। इससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इस बीच जेट के कर्मचारी वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले। वित्त मंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। कर्मचारियों ने कहा है कि वो कंपनी के साथ इस मुश्किल समय में खड़े हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल कम से कम एक महीने की सैलरी चाहिए। उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, अब तो घर चलाने में भी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से कम एक महीने की सैलरी उन्हें चाहिए। आज जो मिस्टर श्री अरुण जेटली जी ने हमारी जो बातें सुनी है इतने इत्मीनान से और उस पे गौर करके, तो इससे हम पूरे एम्प्लॉयज को, हर एक एम्प्लॉय को एक उम्मीद जाग गई है कि हाँ, हम दोबारा से इस आकाश पर पूरा कब्जा करेंगे। उन्होंने हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज को गौर से सुना है और उन्होंने बोला है कि वो हर एक चीज पर गौर करके हमारे को बताएंगे कि वो हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। मीटिंग आज जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हुई है, उन्होंने ये बताया हमको कि वो पूरी तरह से चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जो बिड प्रोसेस है इसके बारे में उन्हें पूरा पता है, और उन्होंने ये हमको कॉन्फिडेंस दिया कि वो बिड प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। करीब करीब 4 हफ्ते में ये कंप्लीट होगी। और हमारी जो गुजारिश थी उनसे कि एक महीने की तनख्वाह जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया जाए, तो उन्होंने उसके बारे में बोला कि वो बैंकों में बात करके हम लोगों को बताएंगे कि कितनी जल्दी वो करवा सकते हैं। सभी कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी देने के लिए 170 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके पहले जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने अपने वेतन और दूसरे बकायों के भुगतान और एयरलाइन को फौरन मदद मुहैया कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने को कहा था। आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के पायलटों के साथ करीब 23,000 कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हुई है। वहीं कई दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइस जेट जेट एयरवेज के 30 से 40 बोइंग 737 विमानों को उड़ाने के लिए तैयार है, तो एयर इंडिया 5 बोइंग 777 और कुछ B737 विमानों को उड़ाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले 10 दिन के अंदर 40 से 45 विमान ऑपरेशनल हो जाएंगे। इससे जेट एयरवेज के बहुत से कर्मचारियों को काम और पैसा मिल पाएगा, क्योंकि इन विमानों को क्रू मेंबर के साथ लीज पर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मुकेश अंबानी आने वाले दिनों में वाकई जेट में हिस्सेदारी खरीदते हैं, तो ये जेट और जेट के कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज होगी।